आज फिर से अगर आप लोग मौसम देखें तो क्या बढ़िया हो रहा है। सनी डे, सही बताऊं तो आज से 2 दिन पहले तक बारिश हो रही थी। कल बढ़िया मौसम था, आज भी बढ़िया मौसम है। और आज मैंने सोचा आज एक व्लॉग बनाया जाए रैंडम स्विमिंग का। एक्चुअली आज हम जाने वाले हैं, एक तो सनी डे हो रहा है, बढ़िया सूरज चमक रहा है, तो आज हम जाने वाले हैं नल दमयंती, जो कि है नीचे की तरफ इधर की डायरेक्शन में। और इरादा कुछ ऐसा है, एम ऐसा है कि आज हम स्विमिंग करेंगे बढ़िया। और आपको कुछ चीज़ें, कुछ कार्य वगैरह भी हुए हैं, जो उधर कंस्ट्रक्शन वगैरह हुआ है नल दमयंती में, कुछ नई नई चीज़ें बनी हैं, तो वो भी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ मैं। और आप लोगों को ये लोकेशन आई गेस पहचान में आ रही होगी मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। ये है, ये दीपक दा का वही घर है। और आज सीन ऐसा है कि जो दीपक दा के छोटे भाई है मिस्टर प्रेम, उन्होंने आज लेट कर रखी है, तो अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं प्रेम भाई का। प्रेम भाई आई गेस इस वाली डायरेक्शन से आएंगे, और उम्मीद है बाइक में उन्होंने हेलमेट पहना होगा, उम्मीद तो कुछ ऐसी है फिर। एंड बस वही है कि प्रेम भाई का इंतज़ार कर रहे हैं हम। और आज माइटी इधर अकेला है, क्योंकि ऐना जो है वो कहाँ चली गई है मोहित? सूर्या गाँव। ऐना सूर्या गाँव चली गई है। सूर्या गाँव में किसके यहाँ? दीदी के यहाँ। दीदी के यहाँ चली गई है, तो माइटी अकेला है, सीन ऐसा है। और फिलहाल प्रेम भाई का इंतज़ार करते हैं, और जैसे ही प्रेम भाई उधर से आएंगे वाली डायरेक्शन से, मैं सीधे कैमरा खोल के उधर की डायरेक्शन में करूँगा, और देखते हैं प्रेम भाई कितनी लेट लगाते हैं अभी टाइम के। और मैं आपको टाइम भी बताता हूँ, उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि कितनी लेट हो गई प्रेम भाई को। 11:41 हो रहे हैं, देखते हैं। ये देखो देखो, हेलमेट नहीं पहना भाई, हेलमेट हेलमेट नहीं पहना, हेलमेट नहीं पहना भाई, देखो हेलमेट नहीं पहना है प्रेम भाई। ये कैमरे में आ चुका है, ये वीडियो में आ चुका है। टाइम हो रहा है 11:44, और ये आ चुके हैं प्रेम भाई। कतई एकदम देख रहे हो, बढ़िया भाई का एक चला के। प्रेम भाई तुम्हारा हेलमेट कहाँ है? मास्क तो तुमने चलो पहना है। हेलमेट, हेलमेट कहाँ है? हेलमेट अभी उतारा नीचे। अच्छा चलो ठीक है ठीक है, अब मान लेते हैं। वैसे प्रेम भाई मतलब क्या बोलते हैं, दिल के थोड़े साफ व्यक्ति हैं, तो प्रेम भाई की बात मान लेते हैं। और प्रेम भाई चलने यहाँ, चलो लेट हो रही है, लेट हो रही है। अगर आप लोग नीचे देखे तो आपको दो छोटे छोटे व्हाइट कुत्ते दिखाई देंगे यहाँ पे। ये है गोविंद भाई के कुत्ते, ये एक का नाम है जोनाथन, एक का नाम है बेला ना। ये देखो छोटे छोटे कुत्ते कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये है नीचे प्रमोद जी खड़े हैं, प्रमोद जी आज आ नहीं रहे हैं, बिहाइंड द सीन्स कुछ बात है, एक्चुअली आपको हम नहीं बताएंगे। ये देखो ये छोटे छोटे कुत्ते, क्या खा रहे हो तुम? हाथ में कुछ खाने वाला है, है? कितने छोटे हैं यार ये हैं कितने छोटे, इनका साइज आपको दिखाता हूँ मैं, ये हैं कितने छोटे अभी, एक मिनट। हाँ ये एक हाथ के बराबर, ये इतने छोटे बच्चे नहा रखा है अभी इन लोगों ने, क्या बढ़िया लग रहे हैं ये। बड़े मस्त लग रहे हैं यार ये छोटे छोटे। ये वाला जो रास्ता है ये है शॉर्टकट सीधे नल दमयंती के लिए, नीचे जंगल से होते हुए ऐसे प्रेम भाई लोगों के घर के बगल से होते हुए। और आज हमारे साथ कौन कौन आ रहा है? ये है मोहित, ये है मनु, ये है प्रेम भाई, और ये है कन्नू। देखा मतलब नाम कितना सिमिलर मैच कर रहे हैं, मोहित मनु कन्नू, और प्रेम भाई का नाम अलग वैसे। एंड दिस इज़ द वे जा रहे हैं, उम्मीद है ज़्यादा भीड़ ना हो। चलो भीड़ होगी वैसे तो भी कोई फ़र्क है नहीं, पर मज़ा आने वाला है आज। सही बताऊँ तो जो नल दमयंती का पानी है वो आजकल बढ़ रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ कितना ज़्यादा बढ़ रखा है पानी, मज़ा आएगा आपको। आप लोग भी आना स्विमिंग करने, बढ़िया मैं दिखाता हूँ, व्लॉग देखेंगे ना आप लोग, आपका मन करेगा या चलने स्विमिंग करने इधर। ये देखो सारे के सारे दौड़ के जा रहे हैं, पहाड़ में यही आदत बन जाती है, जब आप रोड पर चल रहे होते ना तो भी आप दौड़ ही रहे होते हो ऐसे, ये देख रहे हो स्पीड। ये देखिए क्या बढ़िया नज़ारा है, ये है नल दमयंती ताल, यहाँ पे कुछ लोग स्विम कर रहे हैं और हम भी जाते हैं फिलहाल नल दमयंती की ओर। ये है नल दमयंती का गेट, इस गेट से अंदर, और आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि नल दमयंती कितना बढ़िया लग रहा है आजकल। यहाँ पे जो हाल ही में कुछ काम हुए हैं और सीढ़ियाँ वगैरह सब नई बन चुकी है लेक के किनारे, अगर आप लोग नोटिस करें, आप लोगों को मैं नीचे चल के दिखाता हूँ, क्या बढ़िया फीलिंग आती है, मतलब क्या कहते हैं उसे, साफ स्वच्छ जो एनवायरनमेंट होता है वैसा वाला एनवायरनमेंट हो रखा है आजकल। ये जो आप इक्विपमेंट्स देख रहे हैं यहाँ पर लगे हैं, ये सारे एक्सरसाइज करने के लिए हैं, अगर आप लोग आते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज कर सकते हैं। और ये रहा लेक,
ये देखिए, अगर आप लोग देखें ये जो लगी हैं मशीनें, ये सब एक्सरसाइज करने के पर्पज़ से लगी हैं। बढ़िया निर्माण कार्य हो रखा है नलदवंती में। ये कुछ नज़ारा नलदवंती का। ओहो हो, प्रो प्लेयर, ये देखो ये बच्चा, ये यहाँ का प्रो स्विमर है ये बच्चा। इसका नाम है मयंक, है ना? मनीष, सॉरी। मज़ा आ रहा है आज? पानी कैसा है, ठंडा है, गर्म है? ठंडा, बहुत ठंडा। आज तो पानी बहुत ऊँचा आ रखा है यार लेवल। अगर आप लोग पानी का लेवल देखें तो आपको सीढ़ियाँ दिखेंगी, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे नीचे। अभी बीच में पानी यहाँ कहीं था, याली सीढ़ी तक, अभी पानी आ चुका है यहाँ तक, और बस एक सीढ़ी बची है, ये जो आपको दिख रही है ये वाली सीढ़ी, दैट्स इट। सहमदा, तुम भी आ गए, तुमने लेट कर दी है। हेलो, अरे प्रो स्विमर है यार वो बच्चे, समझ रहे हो आप? सहमदा आओ यार, आज धूप हो रही है ना इसलिए आओ ना तुम, है ना? ये देखो सहमदा आ गए हैं, ये सहमदा है प्रो स्विमर यहाँ के, सहमदा बचपन से ही तैर रहे हैं यहाँ पे। फिर क्या था, जैसे ही हमने पानी देखा इतने ऊपर तक, एक तो पानी का लेवल आ चुका था ऊपर वाली सीढ़ी तक, और सही बताओ तो आपको, अगर आप जैसे ही सीढ़ी से नीचे जाते हैं सीधे जो वहाँ पे, अगर आप बॉटम पे खड़े होते हैं तो सही बताऊँ तो मेरी हाइट जितना बंदा भी वहाँ पे डूब जाएगा, इतना पानी है। मतलब पानी का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि इस बीच बारिश भी हुई थी। और जैसे ही हम लोगों ने पानी को देखा और हमने देखा ऊपर इतनी ज़ोर से, मतलब क्या बोलते, इतना ब्राइट सूरज चमक रहा है, तो हम लोगों ने बस कपड़े वपड़े उतारे अपने और बस पानी में छलांग लगाई। क्या बढ़िया मज़ा आ रहा था सही बताऊँ तो। एंड अगर आप लोग भी नलदमंती आएँ तो प्लीज़, अगर आप लोगों को तैरना आता है आप लोग तभी यहाँ स्विम करें, या लाइफ जैकेट वगैरह आपके पास है तभी स्विम करें, क्योंकि बिना लाइफ जैकेट के स्विम करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है यहाँ पे। एंड या दिस द थिंग, पानी आज काफ़ी ज़्यादा साफ था। अगर आप लोग नोटिस करें वीडियो में, आप लोग क्लैरिटी देखेंगे पानी की, तो आप लोग कहेंगे वाह यार क्या मज़ा आ रहा होगा यहाँ पे। तो आपको बता दूँ, हमें सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था यहाँ पे आज स्विमिंग करने में। एंड या तो आप लोगों को मैं कुछ अंडर वाटर शॉर्ट्स वगैरह दिखाता हूँ, ताकि आप लोग जो ये मूवमेंट था वो दूर बैठे भी अपने स्क्रीन पे, जो मोबाइल की स्क्रीन है, लैपटॉप की स्क्रीन है, डेस्कटॉप की, किसी पे भी आप देख रहे हैं वीडियो, फील कर सकें, और इस एम्बियंट एक प्यारे से म्यूज़िक के साथ। या दिस द थिंग, तो एंजॉय कीजिए आगे के ये कुछ सीन्स। अगर आप लोग नोटिस करें, आई डोंट नो, मुझे थोड़ा डिजिटल जूम करना पड़ेगा सामने के डायरेक्शन में, बहुत से लोग आ चुके हैं, टूरिस्ट आ चुके हैं अभी। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, लोगों को तैरना नहीं आता फिर भी उधर गहरे पानी में जा रहे हैं। अगर आप लोगों को तैरना नहीं आता तो गहरे पानी में ना जाएं आप लोग, जैसा कि वो लोग कर रहे हैं बिना लाइफ जैकेट के। नलदमंती का जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो काफ़ी अच्छा हो चुका है। अगर आप लोग नोटिस करें, यहाँ पे एक हॉल भी बना है, अगर आप नोटिस करें यहाँ पे, इस बार क्या कहते हैं उसे, शिव पुराण भी होने वाला है। कल डेट क्या, 25 है क्या? हाँ, तो 25 तारीख से कल से स्टार्ट है यहाँ पे।
और जो सीढ़ियाँ वगैरह लग चुकी हैं ये पार्क में ऐसे किनारे किनारे लेक के किनारे बेंचेस वगैरह लगी हैं, अगर आप लोग नोटिस करें इधर 1, 2, 3, 4 ऐसे हैं और उधर की तरफ भी लगी हैं। बढ़िया लग रहा है और काफ़ी साफ एनवायरनमेंट है, बढ़िया बना रखा है। एंड आते टाइम तो हम पैदल आए थे बट जाते टाइम हम जा रहे हैं सैमदा की गाड़ी में। तो अभी सीन ऐसा है कि अभी हम जाने वाले सीधे घर को सैमदा की गाड़ी में, लिफ्ट मिल चुकी है, ऐसा ही सीन है और बस चलते हैं फिर अभी। और आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा था वो ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड या थैंक यू सो मच।